Hey guys, welcome back to my channel and good morning. तो अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट और यहाँ मैं ब्रेकफास्ट पर बना रही हूँ रवा इडली। बड़ी आसानी से बन जाएगी। सूजी ले लीजिए और दही में उसको इस कदर मिला लीजिए कि कुछ इस तरीके का पेस्ट बन जाए। उसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिए। सूजी फूल के जो है पेस्ट बना लेगी। अगर आपको पेस्ट गाढ़ा लगे तो फिर आप उसको थोड़ा सा पानी डाल के स्मूथ कर लीजिए। और अगर आपके पास इडली मेकर है तो आप इस तरीके से इडली मेकर में डाल के इसको 15 मिनट के लिए सिम आंच पे रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर बना दिया। बहुत अच्छी बनती है और बड़ी ही सिंपल सी है। तो आपको बाहर से रेडीमेड लेके आने की जरूरत नहीं है। और लॉकडाउन में तो बिल्कुल भी नहीं, हर घर में जो है इडली रवा वगैरह मिल जाती है। और ये मैंने बनाई है चटनी। चटनी के लिए सिर्फ नमक चाहिए, मूँगफली चाहिए, हरी मिर्च, लाल मिर्च चाहिए। डिपेंड्स है कि आपको कितना तीखा खाना है। और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर हम उस पेस्ट का जो हमने चटनी बनाई थी उसको तड़का लगाने के लिए यहाँ पे हम तेल यूज़ कर रहे हैं, राई के दाने यूज़ कर रहे हैं जिसे हम मस्टर्ड सीड्स बोलते हो। और मेरे पास आपको पता ही, ये पेड़ तो है ही मेरे पास इन पत्तों का, इन्हें आप क्या बोलते हो तो इसी का मैंने तड़का लगा लिया। तो ये देखिए इतनी ईजी है, फटाफट फटाफट बन गई है। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप मूँगफली की चटनी भी खा सकते हो, उसके साथ में बहुत अच्छी बनती है। यहाँ मेरा जो इडली है वो ठंडी हो गई है, मैंने गैस बंद करके ठंडा करके अब उनको एक एक करके निकाल लिया है। तीन निकाल चुकी हूँ, तीन निकालने बाकी है। तो ये है अजय और आरवी का ब्रेकफास्ट। मैं तो सिंपल चपाती खाने वाली हूँ, इसलिए इन लोगों के लिए मैंने ये 6 पीस ही बनाए थे। और इनको आप ठंडा होके चाकू या चम्मच की हेल्प से निकाल सकते हो। तो ये रहा मेरा यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट। चलिए फिर इनको टेस्ट करवाती हूँ और इनके फेशियल एक्सप्रेशन देखना। कैसा लगा आजू? मस्त मस्त। थैंक यू। तो इनको तो बहुत पसंद आया है। यहाँ पर जो है हमने कल ऑर्डर किया था थोड़ा सा सामान जो हमारे सिक्योरिटी रूम में हमारा पड़ा हुआ था। तो अजय फटाफट से ड्रेसअप होकर नीचे सिक्योरिटी रूम से अपना सामान लेकर आ गए हैं। मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें मंगवाई थी जो मेरे पास नहीं थी। और ऐसा तो पता ही कि घर में डिशेज वगैरह बनती रहती हैं, आपके साथ में मैं डिशेज शेयर करती रहती हूँ। उन सब चीज़ों के लिए मेरे पास ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी थी। और यही है इस वक्त मेरा टाइम पास करने का साधन, नई नई डिशेज बनाना और आप लोगों से अपने शेयर करना लॉकडाउन के टाइम पे। तो मैंने कुछ ये जो मैंने बेक्ड चिप्स मंगवाए थे, मैं दूसरे चिप्स नहीं मंगवाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ना मंगवाऊँ क्योंकि वो सही नहीं होते हैं। और मैंने धनिया पत्ती मंगवाई थी और मेथी के पत्ते मैंने मंगवाए थे, थोड़े से फ्रूट्स मंगवाए हैं, सब्जियाँ मंगवाई हैं। और आरवी का जो है बॉडी वॉश ख़त्म हो गया था, वैसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन अजय ने जो है चुपके से ऑर्डर कर दिया और मुझे बाद में पता चला कि ये मंगवाया है। और ब्रेड मंगवाई है, आपको तो पता ही कि हम लोग ब्रेड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आने वाले टाइम पे मैं आपको ब्रेड से कुछ जो है रेसिपीज वगैरह शेयर करूंगी। यहाँ मैंने चटनी के लिए या वैसे ही मूँगफली फ्राई करके खाने के लिए मूँगफली मंगवाई है टाइम पास के लिए। तो ये सब चीज़ें जो मेरे पास नहीं थी और ये ज़रूरी भी थी, दही मंगवानी थी मुझे और मुलेठी मंगवानी थी यानी कि दालचीनी मंगवानी थी मुझे, जिससे हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है चाय। और सब्जी में भी डलनी बहुत ज़रूरी है। आलू भी मेरे ख़त्म हो गए थे तो अजय ने आलू के साथ साथ अदरक भी ऑर्डर कर दिया जो कि मेरे पास नहीं था। और उनकी फेवरेट सब्जी वो है ग्वारफली, अजय को ग्वारफली बहुत पसंद है इसलिए उन्होंने वो भी ऑर्डर कर दिया। तो ये रहा हिमालय का बॉडी वॉश, जबकि मैं हिमालय यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने एमरजेंसी के लिए ये ऑर्डर कर लिया है। आपको तो पता है कि सब्जियाँ जब घर पर आती तो उनको धोना भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने फटाफट से जो है इनको छांट लिया है। छांट के मैं इनको धोऊंगी। आपको पता है कि मेरे घर का भी काम चल रहा है तो कोई भी काम फिनिश करने के बाद मैं सारे काम नहीं करती, तो किचन तो गंदा होना ही है तो ये तो मुझे साफ करना ही है। तो मैं फटाफट से जो धनिया है और जो ये है ग्वारफली, इनको मैं अच्छे से धो के धूप में सुखा दूंगी। धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है, सुबह का ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, कुछ 11 या 12 बजे होंगे तो अभी काफ़ी टाइम है काम करने में। तो ये काम भी उतना ही ज़रूरी है साफ़ सफाई का, तो मैं सब्जियां वगैरह धो दूंगी। मेरे बर्तन अभी धुलने बाकी हैं सुबह के ब्रेकफास्ट के। और ये जो आप जो कटोरी देख रहे हो ये आरवी के काम है, इसमें अचार रखा हुआ है और आरवी ने अचार वाली कटोरी शीट में डाल दी है जो कि अब मुझे धोनी पड़ेगी। तो मैं बस सब्जी को फटाफट से अच्छे से धो दूंगी, दोनों हाथों से रगड़ के धोऊंगी।
और उसके बाद मैं इनको धूप में सुखा दूंगी, तो धूप इतनी तेज है कि ये आराम से सूख जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मेरे बालकनी में धूप पूरी तरीके से बस आने ही वाली है। और मेरे पास हरी मिर्च भी मैंने मंगवाई थी, मैं आपको तो पता है कि मुझे हरी मिर्च कितनी पसंद है, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च एक्स्ट्रा मंगवाई है और उनको भी धो के धूप में सुखा दिया है। और ये रहे धनिया पत्ते, इनको भी मैंने जड़ से काट के छांट लिया है, इसको भी मैं धो लूंगी और सुखा लूंगी। धो के और सुखाना आसान हो जाता है, इससे कि आपका काम भी कम हो जाएगा। और उसके बाद सूखने के बाद मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी और धीरे धीरे करके यूज करती रहूंगी। तो फिर कोई झंझट नहीं होता कि सब्जी बनाने के टाइम में धनिया धो या मिर्च धोने बैठ जाओ, टमाटर धोने बैठ जाओ, वो मजा नहीं आता फिर। इसलिए अरु नहीं बेटा, नहीं 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 छोड़ दो छोड़ दो, नहीं बेटा यार, अरु नहीं बेटा, खराब नहीं करना। अच्छा आरू मम्मा का क्या है? लाडू बेटा। लाडू बेटा है। अरे क्या है आरू, क्या है? कहीं अब मैंने आपको क्लिप लगाई, तुमने कहाँ गया आरू की क्लिप कहाँ गई? पर मम्मा से बात। अच्छा आरू ने क्या खाया? अच्छा लास्ट टाइम आरू लास्ट टाइम लास्ट टाइम क्या खाया आरू? मजी क्या खाया आरू ने? मैंने सारे जितने भी कपड़े थे फोल्ड करके अलग अलग कर दिए हैं। अजय की कबर्ड में जाएंगे, आरवी की कबर्ड में जाएंगे आरवी कपड़े, और मेरे और आरवी की कबर्ड तो वैसे भी एक जैसी है, सिर्फ अलग अलग तरफ खुलती है, कंपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। इसलिए तो फटाफट से यहाँ पर दोनों बाप बेटे की गुफ्तगू हो रही है। जी हाँ, आरवी बहुत बातें करती है और इन दोनों की बनती बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों की बातें सुन सुन के इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है, बस पूछो मत। तो चलिए फिर फटाफट से अपना काम खत्म करते हैं। यहाँ पर आरवी तब तक पापा से बात करती रहेगी। अजय का काम ही यही है कि आरवी को अपने साथ बिजी रखना, और उतने टाइम पीरियड में मैं अपना बाकी काम कर लेती हूँ। जिस दिन अजय घर पे नहीं होते उस दिन आरवी जो है मुझे घर का काम नहीं करने देती है, क्योंकि उसको एक परमानेंट पर्सन चाहिए जो उससे बात करे, उसके साथ में खेले सारा दिन, तो उसको भी टाइम देना जरूरी है, घर का काम भी करना जरूरी है। तो मैं दोनों काम एक साथ करती घूमती रहती हूँ, इसलिए जो है मेरा घर का काम पूरा दिन खत्म नहीं होता। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं झाड़ू पोछा बर्तन और जो घर का खाना है वो टाइम से खत्म कर लूँ। उसके बाद सारा दिन आरवी को दे देती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ, वीडियोस बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आपने मेरे घर की हालत देख ही ली है, वो भी मुझे ठीक करने हैं अभी। तो यहाँ पर मैं आरवी के और मेरे जो कपड़े हैं वो मैं फटाफट से सेट कर दूंगी। मैंने अपनी अलमारी कुछ दिन पहले ही सेट करी है, तो वो बिल्कुल एकदम चकाचक सेट बैठी है। आरवी की अलमीरा जो है डेली सेट होती है और डेली खराब होती है, क्योंकि आरवी के कपड़े जो है मैं 2 से 3 बार चेंज करती हूँ, उसके चक्कर में जो है जो सारे कपड़े हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। फिर मैं शाम को फिर ठीक करती हूँ। और ये चद्दर भी मैंने धोई थी, इसको मैं फटाफट सेट कर लूंगी। बस यही सारे काम आप लोगों के घर में भी होते ही होंगे, तो मुझे जरूर बताना कि क्या आपका शेड्यूल और मेरा शेड्यूल मैच करता है कि नहीं। मुझे ज़रूर बताना कि आप भी अपने बच्चों के साथ में इतना ही परेशान रहते हो, क्योंकि बच्चे क्या है घर का काम नहीं करने देते हैं, कुछ ना कुछ पेंडिंग रह जाता है। और मुझे अपना घर का काम करना बहुत पसंद है, और मैं अपने घर का कोई भी काम पेंडिंग रहना पसंद नहीं करती। और यहाँ मैंने अपनी सारी जो बेडशीट है वो अच्छे से झाड़ के सेट कर दी है। तो अब बस रात का खाना बनाना है, तब तक अजय आरवी से बात कर लेंगे। और अजय के भी जो कपड़े हैं वो मेरे मैं रखना भूल गई थी, तो अजय के कपड़े जो है मुझे सेट करने हैं। अजय की अलमीरा भी मैं ही सेट करती हूँ। अजय का सारा स्केड्यूल मेरे पे डिपेंड करता है, सुबह से लेकर शाम तक का अजय अपनी खुद की अलमारी खुद बिल्कुल नहीं खोलते हैं, बस मुझे पूछते हैं कि मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है। तो ये चीज़ मुझे याद रखनी पड़ती कि उनके अंडर गारमेंट्स कहाँ हैं, उनकी वो शर्ट कहाँ पर है, उनके वो वाले पैंट कहाँ पर है। तो इस तरीके से जो है मुझे याद रखनी पड़ती ये सब चीज़ें। तो बस चलिए फिर फटाफट से चलते हैं। और यहाँ देखो अभी तक इन लोगों का चल ही रहा है। मैं खाना बनाने बैठूंगी, शाम का कुछ 6 या 7 बजे का टाइम हुआ होगा, तो मैं यहाँ पर आरवी को ग्रेप्स दे रही हूँ धोकर,
ताकि कुछ एक घंटे के हिसाब से वो अपना ग्रेप्स खा लेगी। दिन में एक बार बच्चों को फ्रूट्स का देना ही चाहिए, तो मैंने आरवी का जो फिक्स किया हुआ है कि दिन में एक टाइम फ्रूट्स लेती है, चाहे वो स्नैक टाइम में ले चाहे मॉर्निंग में ले, वो उसकी अपनी मर्जी है, मैं उसको फोर्स नहीं करती, पर वो ले लेती है। इसी बीच मैं यहाँ पर चटनी बना लूँगी। आपको तो पता है कि मैंने हरी मिर्च मंगवाई थी, धनिया मंगवाया था, टमाटर तो आपने देख ही लिया था, तो मुझे इन दिनों जो है हरी सब्जी या दाल खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो मैं सोची थी मैं बिल्कुल तीखी तीखी चटपटी सी एक चटनी बना के रख लेती हूँ, जब जब मन करेगा एक एक चम्मच करके खा लिया करूँगी। इसलिए सारा सामान तो तैयार था ही, तो करना क्या था, सिर्फ मिक्सी चलानी थी, इसलिए फटाफट से जो है मैंने अपना चटनी बना ली है। अगर क्योंकि गर्मी है, गर्मी में अक्सर क्या होता है कि मन करता है चटपटी चीज़ खाने का, मैं अचार तो खा नहीं सकती हूँ, वैसे चटनी भी नहीं खा सकती, लेकिन क्या है कई बार एक आध चम्मच ले लेती हूँ, जुबान है कंट्रोल नहीं होती है, अब क्या करें, तो इसलिए मैं स्टोर कर लेती हूँ और वो हफ्ता 10-15 दिन तक चल लेता है। और मैंने इसमें 2 मिर्च डाली थी, बाकी सब कुछ आपने देख ही लिया है, नमक और लाल मिर्च डाल के, या अमचूर भी डाल सकते हो, अगर आपके टमाटर खट्टे नहीं है तो अमचूर डाल दीजिए। ये पीछे जो आपको आवाज़ आ रही है मेरी बेटी करनी, वो कुछ नहीं कर सकती, हम हेल्प ही कर सकते हैं। तो बस फटाफट से ये मेरी बन गई है चटनी, तो अब हम बनाने जाएंगे फटाफट से अपना खाना। खाना आज बहुत सिंपल सा बनने वाला है, क्योंकि मेरे पास पालक रखी हुई थी बची हुई, तो आज मैं पालक और आलू की भुर्जी बनाने वाली हूँ। यहाँ मेरी जो है चटनी तैयार हो चुकी है, मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर रख लूंगी हफ्ते 10 दिन के लिए, जब तक चलती है, तो बीच बीच में अजय भी ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है पूरा काम दोबारा फिर से बढ़ गया। आप कुछ भी किचन में काम करते हो तो इस तरीके से जो है किचन खराब हो जाती है, और मुझे अपनी किचन खराब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा जो है इसको साफ करती रहती हूँ, जो भी काम करती हूँ हाथों हाथों समेट लेती हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म है, आपको पता ही है कि एक बार खाना बनेगा दोबारा फिर से बनेगा, तीसरी बार फिर से बनेगा, तो गंदी किचन नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो है मैं उसको फटाफट से साफ करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर अब मैं दोबारा से जो सब्जी रोटी बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं इस पूरे एरिया को अच्छे से क्लीन करके हाथ धो के अब मैं जो है हाथ धोने चली गई हूँ, और हाथ धोकर अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे सब्जी और रोटी। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ पालक की भुर्जी आलू के साथ में। पालक आपको पता ही है कि सब्जी बनने के टाइम पे पालक कम हो जाती है, तो मेरे पास अच्छी खासी पालक थी, लेकिन मैंने एक दिन पहले चाय के साथ पालक के पकौड़े बना लिए थे, तो आधी पालक लग गई और आधी बच गई। अब इस आधी पालक का मैं क्या करूँगी, तो फिर अजय ने बोला कि आलू डाल के भुर्जी बना लो, सिंपल सी चटनी तो है ही और रोटी बना लेना साथ में, इसलिए जो है मैं बिल्कुल सिंपल सी भुर्जी बनाने वाली हूँ। ये तो आपको पता ही है कि आप किसी भी सब्जी में नमक मिर्च वगैरह डाल लेंगे तो सब्जी तो बनी जानी है, इसलिए इसमें मैं कोई ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत तो मुझे नहीं पता, आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे कुक हो। मैं आपको इसकी फिर भी वैसे सिंपल बता देती हूँ कि मैंने ऑयल डाला था, ऑयल आप कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्च डाली है, काट के नहीं डाली है ताकि बाद में निकाल सकें, क्योंकि अजय को हरी मिर्च पसंद नहीं, ये मैं खा लूँगी। और एक प्याज ले लिया है, इसी में जो है मैं आलू डाल दूंगी थोड़ी देर के बाद में, आलू को थोड़ा अच्छे से पका लूंगी, आधा पक जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें पालक डाल दूंगी। पालक डालने के बाद आप इसमें नमक मिर्च हल्दी जो भी आपके पास मसाले हैं वो डाल दीजिए, अच्छे से पकाइए। चाहो तो अगर आपको तरी वाली चाहिए तब पानी डाल दीजिए, अगर आपको नहीं चाहिए ना, क्योंकि हम लोग भुर्जी बना रहे हैं, चटनी हमारे पास है, तो मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना लूंगी। और काफ़ी अच्छी लगती है, कभी कभी जो है इस तरह की सब्जी खा लेनी चाहिए, रोज़ रोज़ तो आप इतनी क्या ना इतनी तैयारियां करके कोई सब्जी नहीं बना पाते हो, कई बार टाइम नहीं होता आपके पास, तो इसलिए मैंने जो है बिल्कुल सिंपल तरीके की सब्जी बनाई है, क्योंकि आज मुझे सब्जी खाने के बाद कुछ खास मन नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो आज मेरी चटनी बनी हुई है, मैं तो चटनी खा के खुश हूँ, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं नमक हल्दी मिर्च सब कुछ डाल के एक सब्जी बना लूँगी, और इसी से हमारा जो है आज रात का डिनर हो जाएगा। आरवी के लिए जो मैं ये जो सब्जी बना रही हूँ इसमें से सिर्फ मैं आलू आलू निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें मिर्च भी है, वैसे आरवी पालक वगैरह हरी सब्जियाँ खा के बहुत खुश हैं, बहुत है, तो मैं उसके लिए सिंपल सा पराठा बना देती हूँ, घी का छोटा सा पराठा बना देती हूँ जितना वो खाना चाहती है, और बिना मिर्च की जो सब्जी होती है जैसे आलू है या मेथी है या इस तरह की चीज़ें मैं अलग से निकाल देती हूँ, तो इसमें ज़्यादा मिर्च नहीं है, तो वो आरवी भी आराम से इस भुर्जी को खा लेगी पराठे के साथ में, इसलिए मैंने चटनी भी बनाई है, मिर्च का अचार भी है, ताकि मुझे सब्जी में मिर्च ना डालनी पड़े। तो यहाँ पर आप देखो
मेरा जो बंदर है वो साथ ही बैठा हुआ है और यहाँ सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए। आप में से कुछ लोग मुझे शायद ये बोलेंगे भी आपकी कढ़ाई इतनी खराब है, बट आप यकीन मानिए ये मेरी कढ़ाई खराब है नहीं, खराब हो गई है और मैंने सारे जतन करके देख लिए, ये साफ नहीं हो रही है। हर तरीके से मैंने करके देख लिया, वो हो नहीं रही, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारी हूँ, कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ कि साफ हो जाए। एक्चुअली मैंने इसमें जो है एक बार पूड़ियाँ बनाई थी तो, और मैं तेल डाल के भूल गई थी इसलिए सब कुछ हुआ, और वो तेल इस पर इतना जला कि कढ़ाई पे निशान छूट गए उसके। और यहाँ पर आरवी मुझसे जिद कर रही है कि वो रोटी बनाएगी, क्योंकि एक दो बार मैंने उसको अलाउड किया है कि तू रोटी बना ले टाइम पास करने के लिए, लॉकडाउन का टाइम है, इसलिए मैंने उसको अलाउड किया था। छोटा सा मैंने उसको आटे का गोलिया दे दिया था कि तू बना ले इसमें, तो वो बना लिया करती थी जैसे भी उल्टे सीधे, तो अब उसको मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। बाद में जब करने का टाइम आएगा तब वो नहीं करेगी, सबको पता है सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो अजय उसको ले गए हैं ताकि मैं फटाफट से जो है 5 फुलके कर लूँ, 3 अजय के, 2 मेरे और एक छोटा सा आर्य का पराठा, इतने में हमारा बन जाएगा। तो बस फटाफट से अजय को सर्व कर देती हूँ, खुद के लिए खा लूंगी और उसके बाद मुझे करनी है किचन की सफाई। किचन की सफाई में मुझे आराम से 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि कल मॉर्निंग जाके मुझे सब कुछ साफ करना पड़े, उस समय नहीं हो पाता इतनी सुबह सुबह, इसलिए मैं रात को ही जो है अपने किचन अच्छे से साफ करके सोती हूँ। फ्रिज में सारा सामान रख देती हूँ, बर्तन धो देती हूँ, चूल्हा साफ कर देती हूँ, सारे डब्बे मसाले के सब एक जगह रख देती हूँ, ताकि जब सुबह उठूँ तो चाय बनाने से लेके सुबह का नाश्ता बनाने तक मुझे कोई और दिक्कत ना हो। इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, और मैं किचन साफ करने वाला जो काम है वो हमेशा आर्विक के सोने के बाद करती हूँ, क्योंकि आर्विक खाना आने के तुरंत बाद जो है उसको नींद आने लग जाती है, उस समय तो उसको मम्मी चाहिए, इसलिए मैं फटाफट से जो है मेरा खाना 7 बजे के या 8 बजे के आसपास खत्म कर देती हूँ, बना भुनू के सब कुछ समेट देती हूँ। उसके बाद आरवी 1 घंटा खेलती है और फिर वो सो जाती है, उसको सोने में भी 1.5 घंटा लगता है, कहानी सुनानी पड़ती है, गाने सुनाने पड़ते हैं उसको, उसके साथ लेटना पड़ता है, उसके बाद जाके जो है आरवी सोती है। और आरवी को मेरे बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिंपल सी चटनी सब्जी और मेरी रोटी, और ये है रात के 11 बजे के आसपास, मैं आपको ये क्लिप दिखा रही हूँ जहाँ पर मैंने अपनी किचन की सारी सफाई कर ली है। बस दूध उबाल के, दूध ठंडा करके फ्रिज में रख के मैं सो जाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पे अपने गैलरी में बैठ के चाय पी रही हूँ। कल रात को किचन साफ करते करते मुझे 11 बज गए थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब तुम सो जाओ, सुबह उठना नहीं है क्या, तो इसलिए मैं सो गई और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। लोगों के घरों में काम चल रहे हैं, बर्तन फूट रहे हैं लोगों के घरों में, सुबह सुबह का टाइम है तो आवाज़ तो आएगी कोई। अभी टाइम हुआ है सुबह के 7 बजे हैं अभी। आज मैं टाइम से उठ गई हूँ, जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे, टाइम से उठ गई हूँ। और क्या कहते हैं, अजय और मेरी जो बेटी है वो सो रही है, वो थोड़ी देर सोएंगे अभी आराम से, कोई 1.5-2 घंटा। उस बीच में जो घर के मोटे मोटे काम है वो मैं कर लूँगी, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन तो मैंने रात को ही धो दिए थे, झाड़ू पोछा वगैरह मैं कर लूँगी, खाना होना बना, देखते हैं कितना हो पाता है, इट डिपेंड्स। तो मुझे एक कमेंट आया है, एक नहीं कई सारे कमेंट आए हैं, और उस कमेंट के ऊपर लोगों ने लाइक भी किया है। तो लोगों ने मुझे बोला है कि हाँ तू मोटी है, तेरी शक्ल मोटी, तेरा दिमाग मोटा है ना, तो ये सब चीज़ें मुझे बोलेगी आगे से। अगर मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिला तो मैं वो लगा दूंगी। गैलरी में सब सुन रहे हैं, चलो अंदर जाके बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने रूम में आ गई हूँ, तो आपको मैं यहीं से जवाब देती हूँ। बाहर लोग अपना काम कर रहे हैं, फालतू में डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो जिसने मुझे बोला है तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, हाँ मैं मोटी हूँ ठीक है, लेकिन मेरा दिमाग मोटा है, ये आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले। मेरे हिसाब से शायद लोग आपको ये बोलते होंगे क्योंकि आपने तो अपनी कोई डीपी लगाई ही नहीं है,
और आप शायद कोई जेंट्स आईडी से हो, लेकिन इस तरह की बातें जो है अक्सर औरतें ही औरतों के लिए बोलती हैं, क्योंकि उन्हीं को ही उनके लिए जलन होती है ज्यादा। तो हो सकता है कि इस आईडी के पीछे कोई औरत हो। अगर आप आदमी हैं, ठीक है, अगर आप एक मेल पर्सन हैं, मैं आपको बोलती हूँ कि क्या आप मेरे घर पे राशन दे के जाते हो? अगर मैं मोटी हूं तो अपने दम पर हूं, कमाती हूं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं, हमारा राशन पानी हम लोग खुद अरेंज करते हैं, तो हु द हेल आर यू जो आप मुझे सब कुछ बोल रहे हैं? अगले महीने का राशन आपकी तरफ से आने वाला है क्या जो आप मुझे सब कुछ बोल रहे हैं? अगर आपको जब किसी का बैकग्राउंड नहीं पता हो या उसकी कोई चीजें ना पता हो तो उस पर पर्सनली नहीं बोलना चाहिए। आपने जिस वीडियो में मुझे बोला उस वीडियो में इस चीज से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, ठीक है, जहां पर तुमने ये बदतमीजी लिखी है। और जिस तरह की चीजें हम लोग लिखते हैं ना, वो इंसान खुद वैसा ही होता है। आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच खराब है। जिस इंसान की सोच खराब होती है उसकी मुंह से निकले हुए सब चीजें इसी तरह की वाहियात ही होती हैं। मैं बहुत ही डिसेंट तरीके से आपको समझा रही हूं। मेरी जगह अगर कोई और यूट्यूबर होता तो अभी तक आपको, कहते ना एक कहावत है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, वो होता अभी तक, ठीक है। तो मेरा राशन किसी के घर से नहीं आता है। मैं अगर मोटी हूं तो अपने दम पर हूं। मेरे कुछ मेडिकल इश्यूज हैं जो मैं यहां बांटना जरूरी नहीं समझती, और स्पेशली तुम्हें क्लैरिफिकेशन मैं क्यों दूं जिसे मैं जानती ही नहीं। आप मेरे सब्सक्राइबर तो हो नहीं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होते तो ये सब लिखते नहीं। लिखते तो आप मुझसे पूछते ना कि बताते, ठीक है। तो आपको सफाई देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इतना ही कहूंगी कि अगर आप मेरे घर का राशन भरने आ रहे हो या राशन भरने की हिम्मत रखते हो, मेरे घर में राशन जो है 5 से 10 हजार के बीच में आता है, अगर आप अगले महीने से भरवा देते हो तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। इसलिए आपके नाम का राशन नहीं खाती हूं, तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। इससे बेटर जवाब आपको नहीं मिलने वाला था, ठीक है। तो मैं जैसी हूं खुश हूं, और मैं इतनी दम रखती हूं कि मैं अपना वेट पुट ऑन कर सकती हूं और वेट को लूज भी कर सकती हूं। ये सब चीजें मेरे हाथ में हैं, तो आपको मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बॉडी को लेके खुश हूं, मैं जैसी भी हूं कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है। तो मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और जो मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं, उन्हें 2 साल से पता है मेरे बारे में, ठीक है, कि मैं पहले कैसी थी। आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, फिर मैं कैसे हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब चीजें मेरे ब्लॉग्स में है। तो बिना सोचे समझे मत लिखिए किसी को भी, और स्पेशली उसको पर्सनली टॉन्ट मत कसिए। वीडियो से रिलेटेड ही बात करिए ताकि आप मुझसे टच में आ सकें। इस तरह से चीजें लिखकर आप सिर्फ और सिर्फ नफरत पा सकते हो और नफरत फैला सकते हो, वो काम मेरा नहीं है। अगर आप में से कोई भी इंसान जो मुझे लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहा है लेकिन आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। और बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल सके। बिना आप लोगों के सपोर्ट के मैं कुछ नहीं हूं, ना ही मैं कुछ कर पाऊंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ सही और गलत पे वीडियो बनाती हूँ, अपने व्लॉग्स बनाती हूँ। किसी पे भी पर्सनली कमेंट करना मेरी आदत नहीं है, ठीक है। जो चीज मुझे गलत लगती है मैं उस पे वीडियो बनाती हूँ, जो चीज मुझे सही लगती है मैं उसकी अप्रिशिएशन में वीडियो बनाती हूँ। बाकी मैं किसी पर्सनल इंसान पे कोई अटैक नहीं करती, किसी की पर्सनल चीज पे कभी कोई अटैक नहीं करती जिस तरीके से आप कर रहे हो। मैंने बहुत सारी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है जिसमें लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला हुआ है, लेकिन मैं वो सब चीजें नहीं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अपना पर्सनल ओपिनियन अपने पास रखिए मेरे मोटापे को लेकर। आपका दिया हुआ नहीं खाती हूँ, ना ही कभी किसी का दिया हुआ खाया है।
ना ही कभी खाऊंगी। भगवान हमेशा मुझे मेरे पैरों पर खड़ा रखे ताकि मैं खुद से कमा के खा सकूं। तो चलिए गाइस, मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।